हेलो। हेलो, क्या कर रहे हो? इस टाइम फोन क्यों किया आप? इस टाइम फोन करने का भी टाइम होता है क्या? तुम्हें पता नहीं है, कल से मैंने जिम ज्वाइन किया। इस टाइम मैं जिम जाता हूँ। अरे तो एक दिन नहीं जाओगे तो कुछ हो जाएगा क्या? कल जिम ज्वाइन किया, आज नहीं जाऊँ? प्लीज बेबी, मेरे लिए मत जाओ ना। नहीं, मतलब क्या, जब ही मैं सोचू ये सिंगल लड़के हैं, उनकी इतनी बॉडी बनी हुई है, और जो मिंगल है उनकी बॉडी क्यों नहीं बनी? इसलिए तो एक दिन अभी कल ज्वाइन किया, कल ही फीस दे के आज नहीं जाऊँ मैं। वाह भाई वाह, इस टाइम फोन मत किया करो। आज के बाद मैं इस टाइम हमेशा फ्री मिलूंगा, यार बिजी मैं मिलूंगा। इसी टाइम पे फ्री होती हूँ, तो मैं इसी टाइम पे बिजी हूँ। हम दोनों के रिश्ते में अब जिम आ जाएगी। मैं तो अच्छा, कम सोच हम रही दोनों थी। के रिश्ते में जब ब्यूटी पार्लर आता था तब कुछ नहीं, हम दोनों के रिश्ते में जब तुम्हारे दोस्त आते थे तब कुछ नहीं, हम दोनों के रिश्ते में जब हमारा पेट आता था तब कुछ नहीं, हम दोनों हमारा के रिश्ते पेट? में मेरा मतलब, एक्सक्यूज मी, मेरा पेट नहीं, हाँ तुम्हारा ठीक है, पेट है। हम दोनों के रिश्ते में जब इतनी सारी चीजें आती हैं तब कुछ नहीं, आज मेरी जिम आ रही है तो हम दोनों के रिश्ते में जिम आएगी। बेबी मैं आपको बता रही कि मैं इसी टाइम पे फ्री रहती हूँ। मैं पूरा सामान वामान सब ले आया हूँ, और मैं जिम जाने टाइम हो रहा है, मैंने जूते भी बांध लिए। क्यों खर्च करे यार, 2 दिन जाओगे, तीसरे दिन नहीं जा रहा हूँ। तो वहाँ पे बहुत 2 दिन भी भीड़ कहाँ लगने जाने वाला दे है। रही हो, कल ही गया हूँ, दूसरे दिन भी जाने कहाँ दे रही हो मत जाओ। तुम कल नहीं जाओगे, मैं आज मना कर रही हूँ, कल चले जाना अपने मन से। फिर परसों से मत जाना, बंद कर देना। फिर तुम मोटू ढोलू पेटू जो बन जाओ, मुझे तुम वो ही पसंद हो। तुम 4 दिन बाद तुम ही बोलोगी उमंग पेट बहुत निकलेगा, खाना खाना कम करो, जिम नहीं, जाना चालू करो। मैं नहीं बोलूँ। और तुमने कह कह के मेरे से जिम चालू करवाई है ना, और अब एक दिन गया हूँ दूसरे नहीं, तुम मोटू डोलू जो बन जाओगे, कह तो रही हूँ मैं, उसमें ही तुम्हें एक्सेप्ट कर लूंगी, उसी में तुम्हें मना लूंगी, उसी में तुमसे बहुत प्यार करूंगी, बहुत अच्छी एक लगती हो डंबल तुम फेंक के मुझे। मुंह पे मारूंगा ना, सीधी हो जाओगी। इससे अच्छा मैं वही सोच रहा हूँ, मेरा कल ही मेरा एक दोस्त बना है जिम करते हो, वो मुझसे कह भी रहा था कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, मैंने कहा हाँ गर्लफ्रेंड है, कह रहा जबी तो, मैंने क्या जबी तो, कह रहे जब ही तो तुम पेट वेट निकला हुआ है, जिम इतनी लेट ज्वाइन की है। सिंगल लोग होते हैं ना वो अपनी बॉडी शॉडी बना के रखते हैं, और मिंगल लोगों की बॉडी नहीं बन पाती। मैंने ऐसा कुछ नहीं है, तो नहीं देखना, लिखवा के ले रहा हूँ और दे रहा हूँ, तुम कल नहीं आओगे। मैंने मैं कल आऊँगा, उसने नहीं आओगे, और वही होगा, नहीं वो नहीं होगा, मैं होने नहीं दूंगा। मैं जाऊँ ना यार, मेरा आज बात करने का बहुत सारा मन है, मुझे पता है कितनी सारी बातें बता नहीं, पता है कल मेरे संग क्या हुआ, आज मेरे संग पूरे दिन एक क्या काम हुआ, करो, एक कल काम करो, हमारी बात नहीं हुई थी, तुम बिजी थे, मैं मुझे इसका दे रहा हूँ ना जिम जा रहे सोल्यूशन, थे। दे रहा हूँ ना। तुम जब भी बातें करती हो मैं क्या कहता हूँ, ओके ओके, यही, इससे ज्यादा तो तुम कुछ बोलने भी नहीं देती हो, यही होता है ना। हाँ फिर ओके ओके, तो एक काम करते हैं, मैं 20-25 मिनट की ओके, नहीं 20-25 मिनट क्यों कहूँ, मैं तो ओके रिकॉर्ड करके भेज देता हूँ, ठीक है? तो अपनी बातें सुनाते रहना, एंड में जब मेरे आंसर करनी चाहिए तो उसको प्रेस कर देना बटन को, ओके कर दिया करूँगा, फिर तुम उसको बंद करना, फिर अपनी बातें सुना, फिर मैं उसको प्रेस कर देना, ओके ठीक है? तो ऐसे करके तुम 1 घंटा, 2 घंटा, 3 दिन, 4 दिन, जितने आता हो बात कर सकते एक हो। एक बात बोलूँ, मना तो नहीं करोगे? मना ही करूँगा, नहीं मना नहीं करोगे, मना करूँगा, मैं पहले ही मना कर रहा हूँ। नहीं नहीं मना कर दी मैंने, नहीं बोलो मना नहीं करूँगा, मैंने मना कर दी। मेरा आज ना वीडियो कॉल पे बात करने का मन है, मुझे बहुत, तुम्हें देख, मैंने पहले मना कर दी थी, मुझे वीडियो कॉल पे बात करनी है। पहले मैंने पहले मना कर दी थी ना, ना मैंने पहले ही मना कर दी थी। आप मुझसे कहते हो कि आज आईब्रो बनवाने मत जाओ, तो मैं जाती हूँ क्या? नहीं जाती हूँ ना। जाती हो तुम? नहीं जाती। ऐसा तो कोई दिन नहीं हुआ जिस दिन मैंने बोला हो तुम आईब्रो बनवाने मत जाओ, तुमने बोली ठीक है नहीं जा रही, तुम बोलती हो अरे यार हूँ, तुम्हें तो जो है वो है, 10 बात सुना के जाती हो। नहीं आगे से नहीं करूंगी। नहीं आगे से करो ना करो, लेकिन अब तो तुम जो कर रही हो कर लिया ना, प्लीज इधर कोई प्लीज नहीं है। मत जाओ ना यार, तुम इतना घमंडी क्यों दिखाते हो? क्योंकि मैं घमंडी हूँ। मेरे लिए कमेंट दिखाओगे ना? हाँ सही बात है। तो मैं तुम हूँ ओके भेज तो रहा हूँ रिकॉर्ड करके। बढ़ गई दिला से कट दिया। हाँ तो बढ़ने दो ना दूरियों को। और गाना क्यों गा रही है इतना बेसुरा, इतना अच्छा, मेरा फेवरेट गाना, मैं जिम में लगा के सुनता हूँ उस गाने को, तुम अब इतना बेसुरा बना रही हो, सुनने भी मजा नहीं आएगा, जैसे सुनूंगा तुम्हारी आवाज़ सामने आ जाएगी, पसंद नहीं होगी तुम्हें। खाली जिम में मस्त लड़की भी आई थी, उससे ही दोस्ती करनी आज जाते बस बस। तुम जिम दोस्ती करने जा रहे हो ना लड़कियों से? ठीक है आज जाओ। मैं यूं तो नहीं कि लड़कियों दोस्ती लड़कों से भी तो कर रहा हूँ। बात खत्म खत्म ना, चलो ठीक है रखूँ फिर फोन? हाँ रखो, तुम जिम जाओ। चलो ठीक है बाय बाय। तुम जिम जाओ, कहीं पे भी जाओ, मुझे क्या मतलब है? हाँ तो रखो। मुझसे क्या मतलब है, मुझे तुमसे क्या मतलब है? तुम अपनी लाइफ अपने हिसाब से निभाओगे चलाओगे, मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से चलाऊंगी, तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी, चाहे मैं शॉर्ट ड्रेस पहनूँ, चाहे मैं लॉन्ग ड्रेस पहनूँ, चाहे मैं मेल फ्रेंड के संग रात में घूमने जाऊँ, चाहे मेल फ्रेंड के संग दिन में घूमने जाऊँ, चाहे मूवी देखने जाऊँ, अकेले जाऊँ, 10 लोगों के साथ जाऊँ, 10-10 मेल हो, 2 फीमेल हो, तुम्हें क्या ही मतलब है यार? ये तुम पहले ताने मार रही थी, उसके बाद तुम मुझे डरा रही थी, और अब इमोशनल अत्याचार कर रही हो। तीनों चीज एक साथ तुम ही कर सकती हो। वाह टैलेंटेड, बहुत टैलेंटेड हो तुम। तुम्हें मतलब ही क्या है यार? नहीं बहुत टैलेंटेड हो तुम। तुम्हें मतलब ही क्या है यार, मेरी बातों से तुम्हें कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, बस तुम्हें ऐसा लगता है पागल है, बोल रही है अभी चुप हो जाएगी,
मैं अपना काम कर लूंगा। 10 किलो की प्लेट जैसी मुंह वाली लड़की, हाँ, मेरे को जिम जाने दो। सही बात है, अब मेरा मुंह भी प्लेटों से नापा जाएगा कि मेरा मुंह 10 किलो की प्लेट जैसा है, 20 किलो के डंबल जैसा शरीर है मेरा। सही है यार, सही है। अपना शरीर कभी देखा? 100 किलो का हो रखा है, अपना शरीर कभी देखा है? फिर भी मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुमसे आई लव यू बोलती हूँ, तुम्हें प्यार से बात करती हूँ, तुम्हें इतनी रिस्पेक्ट इज्जत सब कुछ देती हूँ, तुम्हारे साथ घूमने भी जाती हूँ। तुम कहना क्या चाहती हो? जिम में रखी हुई वो जो बड़ी वाली बॉल होती है वो हूँ मैं? हाँ वही हो तुम, मैं बता रहा हूँ। प्लीज ना आज मुझसे बात कर लो ना थोड़ी देर। नहीं एक काम करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, हाँ, कितने बजे जाने का टाइम होता है तुम्हारा? बस जा ही रहा हूँ। कितने बजे होता है वैसे? जा ही रहा हूँ। अरे टाइम तो बताओ। जा ही रहा हूँ। पहले टाइम बताओ। जा रहा हूँ। नहीं पहले टाइम बताओ। मैं एक बात सोच रहा हूँ। नहीं पहले एक बात बताओ मुझे। अरे मेरी नहीं, पहले बात पहले मेरी बात नहीं, पहले मेरी बात बताओ। अच्छा बताओ, मैं कह रहा हूँ कि देखो। अरे यार मैं क्यों कह रहा हूँ? तो और कौन कहेगा? कहो कहो। मैं कह रहा हूँ। क्या कह रहे हो? तंग मत करो, मैं फोन काट दूंगा। एक तो रास्ते में चलते हुए बात कर रहा हूँ, शुक्र अदा करो मेरा। क्या अदा करूँ? शुक्र कैसे? अरे चुप हो जाओ मेरी माँ, मेरी बात सुन के शुक्र अदा कर दो। बैठ के बात करो ना यार, बहुत गिर नहीं, गिर मैं जिम में जैसे ही पहुंचूंगा मैं फोन काट दूंगा। सुनो मेरी बात, मान करे जिम ही बंद है, ऐसा मत बोलो। मार मार के जिम वालों को जिम खुलवा दूंगा, जिम तो करके आऊंगा मैं। अगर जिम बंद भी हुई तो साला कल ही फीस दिया, कल ही मैं पूछ के आऊँ, कल खुलेगी ना जिम? उन्होंने कहा सर जिम तो पूरा हफ्ता खुलती है, पर एक संडे को छोड़ के, तो आज कैसे बंद कर देंगे? वो तुम्हें नहीं, तुम उन्हें मारो, तुम नहीं मारोगे उन्हें, वो तुम्हें मारेंगे। पैसे किसने दिए? नहीं तुम डंबल नहीं उठा पाते हो ना, तो तुम लोगों कैसे मारो? तो वो जो जिम का ओनर है वो मुझसे भी ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा। नहीं ओनर क्यों मारेगा? तो और कौन ओनर मारेगा? क्यों ट्रेनर मारेंगे ना वहाँ के? ट्रेनिंग तो ट्रेनर कराते हैं। नहीं मेरी ट्रेनिंग कोई नहीं कराता, मुझे कूड़े ही था फेंक दिया था साइड में यार, अपने आप करते हो। वैल्यू है ना, फीस कम दी है ना, लैंड मार के 500 रुपए, इसलिए ऐसा होता मेरे साथ। नहीं मैं देखा, मैंने कि पहले मैं 10 दिन ट्रायल करूंगा, उन्होंने कि सर ट्रायल नहीं होता। मैं ठीक है तो 2 दिन, नहीं मैं ठीक है फीस में 500 रुपये कम दूंगा। फिर काफ़ी मिन्नत करने का मैं उनको ऑफर दिया कि मैं और भी इधर मेरे बस्ती में बहुत सारे लड़के रहते हैं 20-25, सब जिम में आएंगे। उन्हें ठीक है सर, ठीक है आप 500 रुपये कम। तुम अपने खाने में रोक टोक नहीं करते, बार बार के खाते हो तो तुम्हारा ढोलू पेट निकल गया है। तुम हर चीज़ में रोक टोक करते हो, नहीं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, यहाँ पे नहीं जाऊँगा, वहाँ पे जाऊँगा, पैसे बचेंगे पैसे बचेंगे पैसे बचेंगे। अब जब अपने शरीर की बात आई तो तुम फिर पैसे बचा रहे हो? मेरी बात सुनो, मैंने बहुत अच्छा चीज़ सोची है, इससे मैं बहुत एकदम बढ़िया बॉडी बॉडी बना लूँगा, बॉडी बिल्डर भी बन जाऊँगा और फेमस भी हो जाऊँगा। देखो मैंने अक्सर देखा है जैसे ही मतलब गर्लफ्रेंड ब्रेकअप कर लेती है ना, जब धोखा दे देती है, उसके पीछे से ऑटोमेटिकली गाना बजता है, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। तो इस गाने से मुझे एक गाना और याद आया है। नहीं नहीं तुम पहले मुझे धोखा दो, चीट करो, फिर एकदम से ऑटोमेटिकली ये गाना बजेगा और कुछ ही टाइम बाद देखते ही देखते मैं अमीर भी हो जाऊँगा, बॉडी भी बन जाएगी। तनु जुदा होती जल्दी है जल्दी है जल्दी, मेरे सीने बिच अख पड़ दी है। तो मतलब तुम मुझसे जुदा होना चाहते हो ना? मैंने सुना ही नहीं। नहीं तुमने नहीं सुना, मैंने सुना था, अभी तो मैंने तुम्हें सुनाया। तुम सुनती ही पता नहीं क्या क्या हो। हाँ यार मेरी तो पसंद ही, अब तुम्हें क्यों पसंद आएगी? तुम्हें जिम में लड़की वो है ना वो नहीं, तुम्हारी पसंद मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि तुम्हारी पसंद मैं हूँ ना। मेरी पसंद तुम नहीं हो, तुमने जबरदस्ती मुझे पसंद बनाया है। अरे मैं आ रहा हूँ, रुको रुको, चलो मैं जिम में जिम में पहुंच गया। जिम ए पहुंच गया, खुली हुई है कि बंद है? मैं सामने खड़ा हूँ, जिम खुली हुई है कि तुम्हें ज्यादा पता है? बंद है, जबरदस्ती है जो मैं कह रहा हूँ, खुली है, बंद है, खुली हुई है, मेरी आंखों के सामने अंधा हूँ मैं। मुझसे वीडियो कॉल पे बात करो ना यार, मेरा बहुत मन, वीडियो कॉल होती नहीं है, नेटवर्क नहीं आते। प्लीज नीचे जाके ऊपर जाके कहीं पे भी जाओ। ऊपर चला हूँ मैं, ऊपर ही चला हूँ, तुम मानना चाह रही हो मुझे? नहीं मतलब तुम बात करने के लिए मुझे मानना चाह रही हो? छत पे नहीं, मेरे जिम में छत नहीं है। प्लीज छत है ही नहीं, खुली खुली जिम है, पूरी पूरी जिम खुली खुली है। खुली जिम किसके होती है? बिना छत के है। ठीक है जाओ जिम में ही रहना, ऑक्सीजन बढ़िया आता है, ऑक्सीजन बढ़िया, जिम में ही रहना आप तुम, बाय। अच्छा सुनो, नहीं सुनना मुझे अब, नहीं सुनता हो ना, एक जरूरी बात है बोलो। देखो आज तुमने मुझे कॉल किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, तुमने मुझे डिस्टर्ब किया बहुत अच्छा लगा। अब मैं आज जिम में लेट भी हो गया, तुमने मुझे कॉल किया, तुमने इतनी बातें सुनाई तो मैं लेट भी हो गया। अब फिर हो सकता कल ऐसा हो, फिर हो सकता है परसों ऐसा हो, तो इसीलिए जो अभी जिम निकलने का टाइम होगा, वापस आने का होगा ना, उतने टाइम में आपको मैं ब्लॉक कर रखूँगा, जैसे आप थोड़ा शांत रहो मैं भी शांत रहूँ। शर्म नहीं आती है मुझे, नहीं करोगे तुम बिल्कुल, शर्म नहीं आती यार, तुम नहीं, कैसे इंसान हो? तुम भी चैन से रह पाओगी, मैं भी चैन से रह पाऊंगा ना, रोज ऐसे मैं लेट होता रहा तो मेरी बॉडी कभी नहीं बनेगी और मेरे पैसे बर्बाद चल जाएंगे। एक दिन जिंदगी से भी ब्लॉक कर दोगे तुम? नहीं जिंदगी से ब्लॉक नहीं करूंगा ना, मैं कर चाके भी नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हें मेरा कर्जा भी तो चुकाना है, जितने रेस्टोरेंट में तुमने मेरा खर्चा कराया वो पैसे सब इकट्ठे करके तुम मुझे वसूलने भी तो है दहेज में।
नहीं यार तुम मुझे एक दिन जिंदगी से भी ब्लॉक कर दो। नहीं चलो मैं बाय बाय रख रहा हूं। शादी कर रहे हो ना मुझसे? हां ऑब्वियसली कर। ठीक है चलो बेबी, तुम्हें पता है तुम एक रुपए भी नहीं लाओगी। बाय बेबी बाय, टेक केयर, ध्यान रखना अपना। बाय रख लो अपना ध्यान। वो तो रख रहा हूँ, चलो बाय।